महाराष्ट्र में जहां एक ओर मस्जिदों के लाउडस्पीकर के जवाब में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ की बात चल रही है, तो वहीं मुंबई के पड़ोसी क्षेत्र मीरा रोड में पूर्व कांग्रेस विधायक मुजफ्फर हुसैन ने अपने क्षेत्र की मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुकूल रखने का इंतजाम कर लिया है। एक मिसाल पेश की है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके मुजफ्फर हुसैन का कहना है कि वॉइस पॉल्यूशन इंडेक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने क्षेत्र की जामा मस्जिद अल शम्स में ऐसी ही व्यवस्था की है, जहां लगे लाउडस्पीकर की आवाज 75 डेसिबल पॉइंट से अधिक नहीं हो पाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सार्वजनिक जगहों पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकरों की आवाज 75 डेसिबल तक और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 55 डेसिबल तक ही रखी जा सकती है। ये निर्देश न सिर्फ मस्जिदों के लाउडस्पीकर बल्कि सभी धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक कार्यक्रम के लाउडस्पीकरों पर लागू होता है। मुजफ्फर हुसैन सड़कों पर नमाज पढ़ने को भी ठीक नहीं मानते। उनका कहना है कि यदि मस्जिद में जगह की कमी है, कभी के साथ लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उन्हें बारी बारी से 2-3 जमात में मौका देना चाहिए। इस सुझाव पर खुद भी अमल करते हुए हुसैन ने मीरा रोड की जामा मस्जिद अल शम्स में शुक्रवार की नमाज को 2 चरणों में शुरू भी करवा दी है। एक नमाज दोपहर बाद 1:15 बजे होती है तो दूसरी 2 बजे शुरू होती है। इस मस्जिद में ईद के दिन लोग 3 जमातों में नमाज पढ़ सकेंगे।